मोदी जी ने एक बार फिर से चक्रव्यूह तैयार किया है और राहुल गांधी ने फिर से चक्रव्यूह को तोड़ने की बात की है, तो इस तरह एक बार फिर से चक्रव्यूह चर्चा का विषय बन गया है। चलिए जानते हैं मोदी जी के किस चक्रव्यूह को राहुल गांधी तोड़ने वाले हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट और लद्दाख की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक समेत उनके करीब 130 समर्थकों को सोमवार रात 30 सितंबर 2024 दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। संसद में अभय मुद्रा दिखाने वाले और चक्रव्यूह का जिक्र करने वाले राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सोनम वांगचुक जी और पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। जानते हैं सोमवार देर रात दिल्ली बॉर्डर पर क्या हुआ। दरअसल सोनम वांगचुक अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार रात 700 किलोमीटर लंबी दिल्ली चलो पदयात्रा करते हुए जैसे ही सिंधु बॉर्डर के जरिए हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उनके साथ करीब 130 कार्यकर्ता भी थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें समझाते हुए लौटने को कहा, लेकिन उनके ना मानने पर सभी को हिरासत में ले लिया गया। सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों के साथ 1 सितंबर को लेह से नई दिल्ली तक पैदल मार्च की शुरुआत की थी। उनका दिल्ली आने का मकसद केंद्र से उनकी मांगों के बारे में लद्दाख के नेतृत्व के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह करना था। 14 सितंबर को जब वांगचुक की पदयात्रा हिमाचल प्रदेश पहुंची थी तब उन्होंने कहा था कि हम सरकार को 5 साल पहले किए गए वादे को पूरा करने की याद दिलाने के मिशन पर है। नजर डालते हैं सोनम वांगचुक की मांगे क्या है। सोनम वांगचुक की प्रमुख मांगों में से एक है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल सके। इसके अलावा वह लद्दाख को राज्य का दर्जा और लद्दाख के लिए मजबूत पारिस्थितिक सुरक्षा की वकालत कर रहे हैं। मांगों को लेकर वह लेह में 9 दिनों का अनशन भी कर चुके हैं। तब उनका जोर लद्दाख की नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिक और स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के महत्व पर अधिकारियों का ध्यान खींचने पर था। आप क्या सोचते हैं, इस तरह गिरफ्तार करके जनता की आवाज दबाना उचित है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।